जो मेरी वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो है, शायद किसी ने ये वीडियो पहले कभी देखी भी नहीं होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज मेरे ना नाखून बहुत बढ़ रखे थे, तो मैं ना अपने नाखून काट रहा था, तो ये नेल कटर है, मैं नाखून काट रहा था। नाखून काटने के बाद नाखून से भी मैं सोशल वर्क कर रहा था, मैंने अपने नाखूनों को मैंने काट के यहाँ पर डाल दिए, और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे नाखूनों को चींटियाँ लेके जा रही हैं। देखिए ये देखो कितनी खुशी से मेरे नाखून को ये चींटियाँ लेके जा रही हैं, ये दिख रही है ये, और एक और है देखो, ये दिखाता हूँ, ये अपने हिसाब से लेके जा रही है, ये देखिए। देखिए ये वो जो चीटियाँ गई थी उसने इसको बता दिया, और ये भी आके यहाँ से नाखून लेके जा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा ये नाखूना करती क्या है, इसे खाती हैं कि इसको क्या शौक है इनको। क्योंकि मैंने ये देखा कि यार मैंने काफ़ी वीडियो देखी, लेकिन मैंने कभी ऐसी, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये वीडियो दिखाऊं कि मैं खुले में नाखून काट रहा था और ये मेरे नाखून को ले लेके भाग रही हैं, तो ये शायद खाती होंगी कि क्या करती होंगी इसका, ये मुझे नहीं पता, बट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार, मैं कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं ये चीज़ जो है। अभी छोटी सी चींटी है, बिल्कुल ये छोटी सी चींटी है, ये इतने बड़े नाखून को लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा असफल हुई है और फिर ये भाग गई है। अभी दूसरा देख रही है ट्राई करने की, जो इसके वेट के हिसाब से ये उठा सके, तो इससे पता चलता है कि चींटी जो है अपने से दुगना वेट उठा सकती है, तिगना वेट उठा सकती है। देखिए ये सफल हो चुकी है, ये इतना बड़ा वाला तो नहीं उठा के लेके जा सकी, लेकिन ये छोटा उठा के ले गई है। देखिए संघर्ष सबकी लाइफ में, इंसान के लाइफ में भी संघर्ष है, और चींटी की लाइफ में तो हमसे भी ज़्यादा संघर्ष है। देखिए ना कितनी छोटी चींटी इतने बड़े नाखून को लेके जा रही है, तो इससे बड़ा संघर्ष तो मेरे सामने, सब संघर्ष छोटे हैं इसको देख के। तो ये नाखूनों की मंडी में आ चुकी हैं, और ये अपने अपने खाने के लिए नाखून को लेके जा रही हैं, तो सिलेक्शन कर रहे हैं कि कौन सा ताज़ा नाखून है कौन सा, लेकिन ये आज सारे ताज़े नाखून काटे गए हैं ये, तो ये अपना सिलेक्शन करिए, तो एक ने ये सिलेक्शन कर लिया और ये अपना लेके जा रही है, इसके हिसाब से ये आज एक, इसके हिसाब से ये इसके लिए पूरा आया आज के खाने के लिए। अभी दूसरा ये इसका संघर्ष कर रही है, देख रही है इसकी खुशबू चेक कर रही है, और एक जो है उसको भारी ऑफर मिला है, ये इसने शाम के टाइम पे जैसे फल की रेडी में निकाल के ले जाते हैं ना छूट में, तो इसको छूट मिली है और ये लेके जा रही है, बहुत खुशी है ये आज पूरे परिवार का, लगता है परिवार बड़ा है तो अपने परिवार के लिए भी लेके जा रही है ये नाखून खाने के लिए। ये अभी जिम से होके आया है, आज इसका संडे का जिम था, इसका जिम करके आया तो इसको डाइट चाहिए, तो अभी ये नाखून खाएगा भी, उसमें नाखून में प्रोटीन है इसके लिए, तो अपने प्रोटीन खाएगा भी, तो ये आ गया मकोड़ा यहाँ पे, ये देखिए, और ये लाल मकोड़ी जिमनास्टिक करके आ रही है, ये भी बहुत एटीट्यूड में रहती है, देखिए कैसे भाग रही है, बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर। और ये वैसे जूडो कराटे और मार्शल आर्ट भी इसको आता है, फ्लाइंग की ग्राउंड की कुछ भी इससे बोल दो एकदम से करती है, देखिए कितनी फुर्ती है इसके अंदर, बहुत फुर्ती है। अब ये अपना घर पहुंचने वाला है जल्दी, इसने ओला उबर कैब को बोला था लेकिन वो आ नहीं पाए, तो इन्होंने कहा चलो कोई नहीं यार मैं पैदल पैदल निकल लेता हूँ, अपना इसका मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा अपना। अभी सुना था टीम वर्क, तो ये टीम वर्क है, ये दोनों, ये इनका आपस में झगड़ा हो गया है, कह रहे कि तू आगे से पकड़ रहा है, वो कह रहे तू पीछे से पकड़ रहा है, तो आगे वाले को ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये झगड़ा करके इन्होंने ये नाखून यहीं पे छोड़ दिया है, और पता नहीं ये झगड़ा कितनी देर तक चलेगा, और ये झगड़ा निपट जाएगा तो फिर दोनों काम पे लग के फिर इसको लेके जाएंगी। फ्रेंड्स इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, फिर ये दोबारे इतनी दूर तक ये लेके आ गए हैं टीम वर्क के साथ उठा के, और बस इनका घर अब थोड़ी सी दूर है, बस बिल्कुल इनका घर आने वाला है, और ये अपना लेके भी चले गए, ये इनका घर था आपने देखा, ये अपने घर के अंदर चले गई हैं, ये इनका घर है और ये इन्होंने यहाँ बना रखा है, ये इतना अच्छा घर है इनका, ये भी ग्रीनरी के शौक है, इन्होंने भी पेड़ पौधे उगा रखे हैं यहाँ पे अपने घर में, तो हम इंसानों के क्यों नहीं पेड़ पौधे उगा सकते, जब चींटी पेड़ पौधे उगा सकती हैं तो आप लोग भी उगा सकते हैं, ये इनका घर है अपना यहाँ इनका, और ये आगे इनकी और सोसाइटी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, बहुत सुंदर घर है इनका बनाया हुआ, 4 BHK ये रह रही हैं उसमें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विश्राम देता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।